हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जो टॉपिक है कम्प्लीट करेंगे, जो कि बीएससी और एमएससी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, ठीक है? तो आपको अच्छे से तैयार करना है इसे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, तो उसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। रासायनिक विज्ञान में किसी रिएक्शन में होने वाली विभिन्न मूलभूत अभिक्रियाओं को क्रमबद्ध विवरण रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है? इसका मतलब ये जो कह रहा है कि जो रासायनिक विज्ञान जो होता है उसमें जो रिएक्शन होती है उसका जो क्रमबद्ध विवरण होता है या उसका जो सारांश बोलेंगे हम जो भी, तो रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है? इसके बारे में क्या कह रहे हैं आगे? कार्बनिक अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, और फोर है मॉलिक्यूल रिअरेंज, आणविक पूर्ण विन्यास, ठीक है? तो फर्स्ट जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो देख लेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, वह अभिक्रिया जिसमें किसी कंपाउंड के किसी एटम या ग्रुप के स्थान पर दूसरा एटम या ग्रुप आ जाता है। इसमें कंपाउंड का जो एटम है दूसरे एटम या ग्रुप से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है कि कंपाउंड की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है? अब आगे देखते हैं इसके बारे में। इसका एग्जांपल है CH4+Cl2 की रिएक्शन होगी, CH3Cl+HCl, ठीक है? और इसमें जो है हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण आदि इस अभिक्रिया के सामान्य उदाहरण है, ठीक है? यह क्रिया मुक्त मूर्ख इलेक्ट्रोफाइल या नाभिक स्नेही के द्वारा होती है। एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट है इसमें, फिर इसका जो फर्स्ट है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो एल्केनों का हेलोजनेशन यानी हेलोजनीकरण फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है Cl+CH4 अभिक्रिया होगी, CH3+HCl होगा, ठीक है? फिर इसमें दिया है CH3+Cl2, इसकी जो रिएक्शन होगी CH3Cl+Cl आएगा, ठीक है? अब सेकंड जो है एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन। तो यह रिएक्शन इलेक्ट्रोफिल जैसे NO2+Cl+ आदि के अटैक के द्वारा होती है, तथा एरोमेटिक कंपाउंड इस प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं। इसका जो एग्जांपल दिया है HNO3+H2SO4 रिएक्शन होगी, CH2O+HSO4- NO2+ जो बेंजीन प्लस होगा NO2+ जो रिएक्शन होगी, फिर ये इस तरह से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है? अब आगे देखिए, आप थर्ड नंबर देखेंगे तो थर्ड नंबर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कह रहा है यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा होता है, जैसे एल्किल हेलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका जो है या N+R, तो इस तरह से ये इसका एग्जांपल, ठीक है? तो आपको इस तरह से लिख लेना है। अब आता है एडिशन रिएक्शन, तो इसके बारे में देख लेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, इस अभिक्रिया में समान अथवा भिन्न पदार्थों के अणु आपस में सहयोग करके केवल एक क्रियाफल प्रोडक्ट देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया एल्किन एल्काइन कार्बोनल आदि असंतर यौगिक में होती है। यह रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या मुक्त मूलक के आक्रमण द्वारा होता है। इसमें है इलेक्ट्रोफिल फिलिक एडिशन, यौगिक के प्रथम पद में धनायन का योग होता है। तो इस तरह से आपको ये लिख लेना है। अब है सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यौगिक के प्रथम पद में ऋणायन का योग होता है, CH3C-C OCN, और ये इस तरह से ये इसका जो एग्जांपल है वो दिया गया है, ठीक है? फिर आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल में से दो परमाणु या ग्रुप विलोपित हो जाते हैं अर्थात निकल जाते हैं, और यह एक आंतरिक बॉन्ड बन जाता है। इसका जो एग्जांपल दिया गया है तो क्या है, एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरक निर्जलन तथा एल्किल हेलाइडों का क्षारक उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है? ये इसका जो एग्जांपल है इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर जो इसका एग्जांपल है देख लेंगे। तो एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरक निर्जलन, तो ये इस तरह से
रिएक्शन लिख लेनी है, और जो बिल है एल्किल हेलाइडों को क्षारक उत्प्रेरक विहाइड्रोजन लिख रहा है, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर आता है मोलिकुल रिअरेंजमेंट्स, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एटम या ग्रुप मोलिकुल के अंदर ही एक एटम से दूसरे परमाणु पर अभिगमन कर जाता है। तो ये इसका एग्जांपल है। सो आई होप आपको ये नोट्स काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हमेशा मिलते रहें। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।